ठीक है भाई। तो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल खेल रहे थे हम लोग। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात। बीचों बीच तो प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन भी देख लो क्या रखा है। पहले नॉर्मली खेल लो। चलो अच्छा देखो। चलेगा। सौ मीटर ऊंची बिल्डिंग है, मजाक नहीं चल रही है। 50 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे। ये क्या है? जमीन है, ठीक है। तो पार्टिकल कैसे जाएगा? कहना ये तो भाई साहब ऐसे जाएगा, ऐसे करके कुछ यहां गिरेगा, ठीक है। अभी बताओ इसकी रेंज निकालनी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यू स्क्वायर, नहीं, यू स्क्वायर साइन 2θg लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। कहां लगेगा वो? सेम लेवल, यहां से यहां तक का रेंज आप बता सकते हो फॉर्मूले से, ए वाला नहीं बता सकते, ठीक है ना। और हाइट का फॉर्मूला यहां से यहां तक के लिए, तो एच ये और आर ये नहीं पूछा गया आपसे। अगर पूछा गया होता तो आप बता देते, सेम लेवल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो क्या करें भाई, जब आप बताओ क्या करें। पहले वेलोसिटी कंपोनेंट कर लिए जाए, तो यहां वाला कंपोनेंट बताएं 30, पक्का? तो 30 आ जाएगा। 50 cos 53, cos 53 3/5, 30 आ गया। 50 sin 53, ये 40 आ गया। कितनी देर तक ऊपर जाएगा? 4 सेकंड, 40 से 0 4 सेकंड में होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 30 मीटर पर सेकंड। कोई इशू थोड़ी है, मैं नहीं करूंगा, आप सोच रहे हो मैं क्यों करूंगा सवाल। अच्छा मैक्सिमम हाइट बताओ, 20 × 4 80 + 100, तो मैक्स, समझ में आ रही बात? पक्का समझ में आया तभी बोलूं। हाँ, तो यहां से यहां तक की हाइट तो कट बताओगे ना यार, 40 + 0/2 × 4, 80 आ गया। और ये भी तो है लेकिन 100, तो कितना आ गया टोटल? 100 और 80 मिला के तो कितनी देर में नीचे गिरेगा? तो आप कहोगे देखो भाई यहां पर छोड़ दिया, छोड़ दिया कि नहीं, और वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, 180 मीटर गिरना है, गिरना है कि नहीं? अब जो मन करे लगा दे। तो आपने कहा भाई अभी शुरू में वेलोसिटी क्या थी? किसी को जरा सा भी कहीं पर भी ऐसा लगे कि मैं अपने परंपराओं का पालन नहीं कर रहा हूं तो मुझे बता देना, अगर आपको ऐसा लगे तो, ना लगे तो अच्छी बात है। हाफ जी टी स्क्वायर, किसी को ऐसा लगा? मतलब किसी को इस लाइन में डाउट तो नहीं है कि -180 और माइनस जी लिखना चाहिए था? किसी को भी डाउट नहीं है? पक्का? पक्का नहीं। तो टी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा? 6 सेकंड। और आपको पता है माइनस लगाएंगे, यहां भी माइनस लगाएंगे, हट जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। तो टी की वैल्यू आ गई 6 इधर और 4 उधर, 10 हो गए टोटल, ठीक है, बढ़िया। रेंज बताओ, रेंज आपने कहा देखिए ऊपर जाने का टाइम लगा था 4, नीचे आने का लगा था 6, तो 6 + 4 तो टोटल टाइम आ गया 10। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल में कितना चला होगा? तो आप बोलोगे ये चलाएगा यार, तो 30 × 10 कितना होता है? तो रेंज कितना आ जाएगा आपका? 300 मीटर। पक्की बात है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, 100% सही है एकदम मामला। ना हो पाएगा? हो जाएगा। लिखो सवाल, इसी में लिखना है, इसी सवाल में आगे लिखना है।
फाइंड द टाइम एट विच एट विच इन लोगों को बातें कर लेंगे है कि नहीं बोलते वेलोसिटी वेक्टर विल रोटेट बाय 16 डिग्री 16 त्यागी जी ने अंदाजा लगाने के लिए रुक जाओ थोड़ा समय तो लगेगा सोलह डिग्री वेलोसिटी वेक्टर के घूमने का समय बताना है लेकिन जीरो से आगे ही आएगा बता रहे जीरो से चार के बीच में एकदम सही जवाब है तुम्हारा ज्यादा गंदा दे दिया क्या थोड़ा गंदा तो दिया है मुझे पता है लेकिन बहुत गंदा नहीं दिया है ओरल नहीं कर पाओगे कर सकते हो 8 सेकंड 4 सेकंड में तो 53 डिग्री घूम जाएगा भाई साहब हाँ तो हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा तो वर्टिकल निकाल ले 30 कहां से आके बे 40 कहां से आके 40 बदलेगा नहीं हाँ भाई 7/4 सेकंड अब करें करें अभी आपको ट्राई करना है तो 15 सेकंड और दूंगा कर लो ट्राई करो 15 सेकंड और है आपके पास ठीक है अब देखना भाई ध्यान से क्या करना था 16 डिग्री देखिए क्या है आपने पार्टिकल को फेंका था कहीं से भी है ना अब ये गिरने के पहले की बात है आपके पास पार्टिकल का पास वेलोसिटी थी ये एंगल 53 डिग्री था ये घट रहा होगा घटते 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 किसी समय पर आपने कहा यार इसका जो एंगल आ गया ये कितना आ गया 37 डिग्री आ गया नहीं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था पहले 30 था और वर्टिकल कंपोनेंट कितना था 40 था अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 30 है अभी वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए मुझे तो मैं लिखूंगा 30 cot 37 क्या लिखूंगा ये मुझे लिखना आता है आपको भी आता है ऐसी बात नहीं अब cot 37 की वैल्यू बताओ जल्दी 4/3 नहीं भाई cot 10/37 की 3/4 तो cot की तो अरे यार मेरे को लिखना आता है हीरो बल्ले हो 10/37 की वैल्यू 90/4 तो अभी वेलोसिटी पहले कितनी थी अब कितनी हो गई 90/4 90/4 कितना हो गया 45 का आधा का मतलब 22.5 ठीक है तो मैं आंसर लिख रहा हूं 40 - 90/4/10 ये मेरा आंसर है 16 - 9/4 = 7/4 ठीक है डन कोई इश्यू थोड़ी था मुश्किल था क्या हाँ बोलो सोचा कुछ नहीं है ये 53 डिग्री है ये कंपोनेंट वेलोसिटी का पता है ये पता है ये वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी इसको यू ले लोगे इसके बाद ये एंगल हो गया 37 बेस पता है तो परपेंडिकुलर निकाल लोगे ये बाय द वे आ गया 90/4 ये आपका वर्टिकल में फाइनल वेलोसिटी हो गई ये इनिशियल है ये फाइनल है तो टाइम पूछा है तो क्या लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जी
दैट इज इक्वल टू टी दो टाइम तो बढ़ता जाएगा ना 16 से, अब 16 से आगे ही जाएगा मामला, दो बार कैसे आएगा 37 दो बार आएगा, 16 नहीं आएगा दो बार, समझ गए ना बात को भाई, ये बढ़ता जाएगा 53 के बाद बढ़ते 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 53 से आगे बढ़ता जाएगा वो रोटेशनल एंगल, ठीक है। तो अगला सवाल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ इसी में, ऑन ग्राउंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ग्राउंड, ग्राउंड जमीन पर टकराएगी ना बॉल, यहां पर टकराएगी ना बॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझते हैं कि नहीं, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो एंगल आता है, ये वाला एंगल पूछ रहा हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता, बताओ बाकी लोग जल्दी जल्दी, 15-15 सेकंड से आगे समय नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, टेन इनवर्स माइनस टू, तो नहीं प्लस में देंगे आंसर, हाँ ऐसे तो इंसिडेंस होगा, आ गया। अभी आपने कहा देखो जमीन पर टकराने की बात हो रही है, अब इसे ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता क्या किसी को, ठीक है, ठीक। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, बता दें, अभी बताओ कि ये आपका पार्टिकल था यहां पर टकराने वाला है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, पक्का 30 है, 30 मीटर पर सेकंड पक्का, इसमें किसी को डाउट है, अभी यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, समय कितना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 से 6 सेकंड में कितना बढ़ेगी, 60, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 60, तो आपने कहा ये वेलोसिटी आ जाएगी 60। अब ये ऐसे, ये वाला एंगल मुझसे पूछा जा रहा है अल्फा, नहीं बता पाएंगे हम, कोई भी बता देगा यार इसमें, तो अभी ये वाला कंपोनेंट अगर आपको बताना है तो आप क्या लिखोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ठीक है, मुश्किल नहीं, ये कर लेंगे ना सारी बातें, हाँ जी बेटा 10 सेकंड है बिल्कुल, तो 40 था पहले, तो 4 सेकंड तो खर्च हो गए जीरो करने में, अब 6 बचे, तो 6 सेकंड में तो 60 ही कर पाएगा, यहां से 10 सेकंड है, ऊपर से तो 6 है भाई, 4 ऊपर का था 6 नीचे का था, भूल गए, अरे 180 मीटर आया था ये टोटल, इसको नीचे आने का टाइम लिखोगे तो आप जीटी स्क्वायर से सॉल्व करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 360 अपॉन 10 बराबर टी स्क्वायर, तो टी कितना आएगा, यही तो आया था यहां से यहां तक का, याद आ गया, चलिए घबराने की कोई बात तो नहीं, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ जस्ट बिफोर कोलिजन विथ ग्राउंड बता दोगे, अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस, सब बता दोगे, घबराने की कोई बात, आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, क्या थी वो, सबको याद है, और उसका कोई फायदा है हमारे जीवन में, सवाल करने में है मतलब, हाँ जी, हाँ सवाल करने में, शर्मिला टैगोर का नाम सुना है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है, सैफ अली खान का नाम सुने हो, ठीक है, ये कई फैमिली में चल रहे मामला, नाम नहीं सुने हो, हाँ तो शर्मिला टैगोर कौन है, बेटी है भैया, हाँ शायद बेटी है,
नवाब पटौदी का नाम सुन, क्रिकेटर तुम यार बस एक ही आदमी का नाम सुने हो, वो भी पाकिस्तानी। ठीक है, नवाब पटौदी की शर्मिला टैगोर से शादी क्यों हुई थी? नहीं, प्यार ऐसे थोड़ी हो जाता है। नवाब पटौदी क्रिकेटर थे, जो मैंने सुना है लोगों से, मैंने पढ़ा नहीं। तो स्टेडियम में बैठे थे, उन्होंने कहा ये बहुत छक्के वक्के मारता है, वो घड़ी लगी हुई उस पर मार के दिखाया, मार दिया घड़ी पे रखा जाके खटाक, ठीक है आ जाओ। ठीक है चलो। अच्छा आप देखो, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, अच्छा तो तुम मान लो कि छक्का। लोग हमेशा बेवकूफ होते हैं उसमें गए। अरे भाई ऐसा थोड़ी था कि बस इसी इवेंट पर सारा कुछ चल रहा था, शुरुआत तो बहुत पहले लगी। और क्या, नहीं नहीं ये तो क्या है कि हाँ मतलब ठीक है यार, किसको क्या पसंद आ रहा है, अपने को क्या चेंज भी कर। बॉलर को तुम 1000 रुपए के लाख दे दो, हाथ से वगैरह तो अपने हाथ से फेंक लियो, उसके बाद ही पर्टिकुलर जगह पर जाना इम्पॉसिबल। खैर कुछ लोग, कुछ किस्मत भी होती है, हाँ होती है। लेकिन भाई साहब चलिए, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन पर देखें, कुछ भी नहीं है, एकदम फर्जी बात है, ध्यान से देखिएगा, ये इंक्लाइन है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। अभी क्या है कि एक पार्टिकल को मान लो आपने किसी एंगल पर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया, इंक्लाइन का इंक्लिनेशन एंगल में दे रहा हूं अल्फा, ये एंगल कितने एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया बेटा, बीटा पर, क्या होगा, प्रोजेक्टाइल कहेगा कि भाई साहब ये अपना मेरे रास्ते में पहाड़ आ गया, तो सोच समझ के चलेगा क्या? प्रोजेक्टाइल को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन है रास्ते में, वो कहेगा तुम हट जाओ, हम जैसे जा रहे थे वैसे ही जाएंगे, वो जैसे जाता था पत्थर ना, वो वैसे ही जाएगा एकदम, उसके रास्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। और हम टकराने के ठीक पहले तक की बात करते हैं, पत्थर आपने फेंका, आप चाहे पहाड़ से फेंको चाहे कहीं से फेंको, वो जिस रास्ते पर जाएगा उसी रास्ते पर जाएगा, रास्ते में बीच में कोई आएगा उसे टकरा जाएगा, बात हुई खत्म। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ही है ना, लेकिन बस इसकी किस्मत में यहां के बाद आगे जाना नहीं लिखा हुआ है, और अगर इसकी किस्मत में लिखा भी है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम कहेंगे तुम्हारा गेम हमारे लिए यहां खत्म हो चुका है, हम फेंकने के तुरंत बाद और टकराने के ठीक पहले तक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मेरे को ये ऐसा इसका पाथ दिखाई दे गया, अब ये वही पाथ है जो पहले था, पैराबोलिक ही है। अब समस्या ये है कि अब कोई हमसे ऐसे वाली रेंज नहीं पूछेगा, वो कहेगा भाई से पहाड़ पर बताओ ये कितना दूर जाके गिरा, तो अब ये जो रेंज है वो किस पर आ गई, पहाड़ पर आ गई। पहाड़ पर कभी गए हो कि नहीं? पत्थर फेंकना पहाड़ पर एकदम मना होता है, वापस आएगा बोल रहे ये ऊपर की तरफ फेंकता पत्थर, नीचे भी फेंकना मना होता है, नीचे भी पत्थर नहीं फेंके जाते। अरे नीचे कोई जा रहा होगा, तुमने पत्थर फेंक दिया, मैदान नहीं है कि तुमने फेंका गिर गया, वो तो लड़कता चला जाएगा, पता नहीं कौन कहां से जा रहा हो, समझ गए? तो पहाड़ों पर जाना तो पत्थर ना फेंकना, नहीं तो कोई पहाड़ी वहां से होगा तो मैं फेंक देगा, जाओ तुम भी। ठीक है, अच्छा आप देखना, बहुत सिंपल सा गेम, कुछ करना नहीं अपन को। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां से प्रोजेक्शन करते हैं, इस एक्सिस को ले लेते हैं वाई, इंक्लाइन के अलोंग वाली एक्सिस को क्या ले लेते हैं एक्स। अब ये वेलोसिटी थी मान लीजिए कुछ यू, तो क्या करें, अब इधर कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का कितना आएगा, यू कॉस बीटा, इधर कितना आएगा, इसमें कोई दिक्कत ना है, पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने कहा यहां पर एक इंक्लाइन है, इस पर एक ब्लॉक रख दिया, ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है, Mg इस पर पक्का इधर लग रहा होगा नीचे की तरफ, नहीं लग रहा होगा, ये एंगल आपको दे दिया गया थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा,
100% थीटा, mg का इधर कंपोनेंट, mg cos थीटा, mg का इधर कंपोनेंट, mg sin थीटा। इसमें कोई डाउट तो नहीं, बाकी बात। तो मैंने कहा अभी अगर मान लो इस पार्टिकल को, अभी ये पार्टिकल पर कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा फेंके जाने के बाद, लगेगा नॉर्मल फोर्स। हमारी कहानी शुरू होती है फेंके जाने के बाद से, द मूवमेंट इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है। और टकराने के ठीक पहले तक ही हम बात करेंगे, काइनेमेटिक्स में हम यही करते हैं। तो मैंने कहा अभी इस पर एक फोर्स का वजह से इस दिशा में एक इधर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होता ना mg, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखे, mg cos अल्फा, क्या लिखे, अरे ये अल्फा दे दिया यार, तो अब थीटा दिया था, थीटा लिखे थे, अल्फा दिया, अल्फा mg cos अल्फा, तो एक्सिलरेशन का कंपोनेंट क्या आ गया, g cos अल्फा, दिख रहा है ना सबको। अभी इधर एक्सिलरेशन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, g sin अल्फा। इसमें कोई दिक्कत है, पक्का नहीं। अब इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है, इन पहाड़ से अधिकतम दूरी पर कब है ये, यहां पर बीच में नहीं आएगा वो पॉइंट, वो कहीं यहां पर आएगा इधर ऐसे, जहां पर इंक्लाइन के वेलोसिटी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, परपेंडिकुलर ना रहे। तो इंक्लाइन से दूर जाने के लिए उसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो इधर वाली वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। और इधर भी यहां पर वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट क्या था, यू कॉस बीटा, इधर वाला क्या था, यू साइन बीटा, यहां वेलोसिटी क्या है, U cos बीटा अब ना रहेगी, क्योंकि अब यहां पर कौन है, बस इतना ध्यान रखना इंक्लाइन में, और कोई बात ध्यान रखने की खास है नहीं। चलो यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, इस वेलोसिटी को जीरो किसने किया, इसने किया, किसने किया, इस वेलोसिटी को जीरो इसने किया, उसने कहा हमारा कोई रोल नहीं है, हम 90 डिग्री पर तुमसे, हम आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। तो अभी यू साइन बीटा को जीरो करने में टाइम कितना लगाएगा ये, तो मैंने कहा देखो भाई ये कार चली जा रही थी 100 मीटर पर सेकंड से, अभी इसको कोई एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, कितने देर में वेलोसिटी जीरो कर देगा, आप बोलोगे 100 अपॉन 2। अभी मैंने कहा एक कार चली जा रही थी यू वेलोसिटी से, इसको इधर एक्सेलरेशन अपोजिट दे दिया ए, कितनी देर में वेलोसिटी जीरो करेगा, यू अपॉन ए। अरे इसमें क्या है यार, समझते बात आप। तो अभी मैंने कहा इसकी वेलोसिटी को टॉप, इसके ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर ग्रेविटी के अलोंग हाइट आएगी, उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होगा, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल ये था, ये कैसा वर्टिकल बनाया मैंने यार, गरीबों वाला एकदम, ये था वर्टिकल mg, वर्टिकल कौन है mg, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसको जी यहां से यहां तक जाने का, दूर जाने का समय टी वन, आपने लिखा u साइन बीटा g cos अल्फा, अरे वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, इसमें क्या है। तो मैंने कहा भाई अगर इसको दूर जाने में जितना समय लगा उतना ही वापस लौट के आना है, तो लौट के आने का समय फिर से u साइन बीटा अपॉन g cos अल्फा। किसी को डाउट है, लौट के वापस नहीं आएगा, आया नहीं भी, यहां टकराया ना, कहां रुका, यहां तक के आने का समय, अरे यार यहां से जब यहां गया तो दूर गया इधर इससे, और फिर वापस उतना ही वापस लौट के आएगा, पहाड़ पे तो लौट के आया ना, नहीं आया पहाड़ पे, लौट के आया, पक्की बात। तो दूर जाने का समय दिख गया, वापस लौटने का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया,
कितना आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin beta upon g cos alpha। इसमें कोई दिक्कत, कोई पूछेगा आपसे इसका मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, इसको मैं d लिखूंगा, आप h नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा यार h। तो d की वैल्यू u sin beta प्लस 0/2 इंटू u sin beta बाई g cos alpha, ठीक है। और मैं इसको डायरेक्ट लिखता अगर, तो मैं लिखता u² sin² beta अपॉन 2g cos alpha। कोई दिक्कत की बात है? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनक्लाइन बता दोगे? अगर उसने कहा नहीं हमें रेंज भी चाहिए ऑन इनक्लाइन, तो मैं रेंज के लिए क्या लिखूंगा, u cos beta इंटू टी, बस इसमें एक्सीलरेशन भी तो है -half g sin alpha t² पक्की बात, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, 100% है। अच्छा जी, बढ़िया है, इसको नोट करना है, 15 सेकंड मिलेंगे, नोट करो, ठीक है। तो एक सवाल दें पहले छोटा सा, दे दिए जी, थर्टी डिग्री, ठीक है, 60 तो ज्यादा हो पाए, थीटा, ठीक है। A particle is projected in horizontal direction from point A. Point A दिख रहा है सबको? है? Point A दिख रहा है। ठीक है, फाइंड इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन। विद इनक्लाइन 15 सेकंड से भी कम मिलेगा इसमें, एंगल थीटा, हाय इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियल पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u, u वेलोसिटी, हाँ बोले इंक्लिनेशन, ये तो है थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखा नहीं है सवाल में, हाँ ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल में फेंका है, u दिया है, u ना पाएगा, है टाइम लेगा, बोले
हो गया। ये होता है पढ़ाई करने का नुकसान। हो गया, लेकिन समय लगा दियो थोड़ा। ठीक है, देखिएगा आप लोग जैसे कर रहे हैं आपको वैसे ट्राई करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल में पेक है यार। तो मैंने कहा देखिए ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में किसी वेलोसिटी से आपने फेंका था, फेंका था कि नहीं। अभी ये क्या करेगा, ये ऐसे करके यहां कहीं टकराएगा, टकराएगा। बोर्ड पर नजर रखना, सवाल खत्म हो जाएगा। 15 सेकंड से कम सेकंड का समय है, सवाल है ये। ठीक, अभी ये हॉरिजॉन्टल में चलेगा और कुछ वर्टिकल में भी चलेगा, चलेगा। हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा, अगर टाइम लगा टी तो यू इंटू टी। वर्टिकल में कितना चलेगा, आप बोलोगे हाफ जी टी स्क्वायर, और ये वाला एंगल आपको दिया है शायद थीटा, नहीं दिया हुआ है। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर आप चाहोगे तो लिखोगे जी टी स्क्वायर बाई टू यू टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू यू टेन थीटा बाई जी। इसको यहां रख देना आप तो आपकी हाइट आ जाएगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, नहीं आएगा। अरे इसमें मुश्किल किया मैंने कुछ, अभी आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तब तो हो गया कार्यक्रम समाप्त। पहले आप रेंज निकालोगे, फिर उसका कंपोनेंट लोगे, समय लग जाएगा। नहीं समझे मेरी बात, तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल जिसको आता होगा, अगर उसको आता होगा तो उसको ये सवाल करने में टाइम लगेगा, और जिसको नहीं आता होगा वो जल्दी कर लेगा। नहीं समझे मेरी बात, बस यही बात आईआईटी वालों को पता है। हाँ और क्या, अरे टी टाइम में हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा यूटी, पहले से ही पता था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बोल रहा है मैं तो टीवी पता है ओरल, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा, यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा बोल रहे हो। हाँ पहले से नहीं पता है, अभी पता लगाएंगे हम। यहां पर वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आएगा साइन थीटा, यहां पर एक्सेलरेशन कंपोनेंट कितना आएगा जी कॉस थीटा। तो यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू बाई जी टेन थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू टेन थीटा बाई जी, बस यही करना था आप जी टी स्क्वायर। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दुनिया में सबको पता है, वर्टिकल में वेलोसिटी थी नहीं। अरे ठीक है यार, अब जैसे जितने बार जितने तरह सोचना हो सोच। हाँ बेटा जिसका आंसर सबने अपना अपना आंसर निकाला है, मेरी आंसर पर रुके हैं। टी स्क्वायर की वैल्यू कौन सी बोल रहे हो तुमने, वर्टिकल में वेलोसिटी जीरो है, ठीक है पक्की बात। टाइम आप किसी भी रिफरेंस से फाइंड करो, इट इज इन वेरिएंट टू रिफरेंस फ्रेम इन गैलीलियन और क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो टाइम तो सेम ही आएगा चाहे कुछ कर लियो। तो टाइम एक बार आ गया तो वर्टिकल में वेलोसिटी थी नहीं, तो टी टाइम में कोई कितना गिरेगा हाफ जी टी स्क्वायर। अरे वेलोसिटी थी नहीं तो आप किस में गया यार, ठीक है आगे बढ़े एक आध और कर ले। अनस एक और कर ले, चलो किया जाए करो ये 20 डिग्री है, कितना डिग्री 20 डिग्री, किधर फेंका गया पार्टिकल को, पार से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ है, नीचे गया है तो नीचे गया, बात हुई खत्म।
एक अप दी इंक्लाइन होगा, एक डाउन दी इंक्लाइन होगा। जी बेटा, ये बोल रहे कि पहाड़ पर पत्थर नीचे फेंकने को मना किया, तब क्यों फेंका आपने? हाँ नहीं नहीं कोई डिफरेंस नहीं होता, ऊपर नीचे की तरफ फेंकने से ये फायदा होता है कि आप बचे रहोगे, कोई डिफरेंस कैसे हो जाएगा? अरे वो तो जो उसकी दिशा है वो तो रहेगी, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है वो रहेंगे, कंपोनेंट तो कर लोगे ना आप। हाँ मतलब वो तो मुझे उससे मतलब ना है, ठीक है, वो तो इन बिटवीन भी हो सकता है ऊपर फेंकते समय है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। इधर देखो आप, तो आपको बाकी सब कुछ आता है, आपका मैथ कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है ना। अभी मैंने कहा इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद 90 मीटर पर सेकेंड स्पीड, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन टू अटेन मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज 15 सेकंड भी नहीं मिलेंगे, 10-12 सेकंड में आंसर दो जल्दी से। अब फॉर्मूले से तो ना होएगा, देख लियो, फॉर्मूला लगाए तो गए 0 डिग्री, चलने पे कोई नहीं, लंबा जाएगा भाई सब कहने। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है, एक जी लाइन खींचनी होती है और एक आपको बनानी होती है अपनी जमीन, और आपको ये दो लाइनों के बीच में कहीं फेंकना है, दिख रही दो लाइन, तो कहां फेंकोगे ताकि मैक्सिमम रेंज आए बीचों बीच। अब ये वाला एंगल कितना है भाई? 70। तो मैंने कहा ये पूरा बता दो तो आधा कर देंगे हम, 110। तो आपने कहा भाई ये पूरा एंगल है 110 डिग्री, तो अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो इंक्लाइन से 55 डिग्री पर फेंकना, कितने डिग्री पर फेंकना है? 110 का आधा बीचों बीच, याद रहेगी बात, पक्की बात है। अगर ऊपर की तरफ फेंका होता, मान लो उसने इंक्लाइन दे दिया ऐसे, ये एंगल दे दिया मान लो आपको 30 डिग्री, उसने कहा भाई साहब एक पार्टिकल को यहां से फेंकेंगे ऐसे जाएगा, मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन चाहिए, तो किस एंगल पर फेंकें? तो क्या करोगे आप? कहोगे टायरो जी लाइन, ये हमारी जमीन, इसके बीचों बीच फेंकना है, तो ये 30 है तो ये कितना होता है 60, तो ये पूरा कितना एंगल आया? तो आप कहोगे ये पूरा 60 आया है, तो एकदम बीचों बीच, बीचों बीच नहीं आ पा रहे, एकदम बीचों बीच फेंकेंगे कितने एंगल पर? बीचों बीच फेंकोगे तो जमीन पर मैक्सिमम रेंज आएगी, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। जी 0 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज नहीं आएगी, कॉन्टेक्ट जो है टूटा और फिर हुआ तक की सिचुएशन के बीच में बात होती है, तुम्हारा कांटेक्ट लगातार बना हुआ है, नॉर्मल लग रहा है तुम्हारे ऑब्जेक्ट पर, तो मेरा काइनेमेटिक्स लगेगा ही नहीं समझे बात? हाँ ठीक है भाई, तो अभी आपके पास एक और शीट है PSS नंबर 6, 7 क्वेश्चन है क्या उसमें? दिखाना बेटा, PSS 6 और HCV में कितने सवाल दिए थे? 35 तक, तो ठीक है HCV और PSS 6 डिस्कस करेंगे, ठीक है डन, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 5 क्वेश्चन नंबर 1।
हो गया पक्का। त्यागी जी कहाँ है? त्यागी जी त्याग दिए क्या? हाँ त्यागी जी तो आए यार, कमाल कर रहे हैं भाई साहब। तो त्यागी जी कहीं हुआ भी है कुछ? हुआ कि? अच्छा ठीक है, नई चीजों में विश्वास नहीं रखते आप, ठीक है। अभी देखिए इसमें x दिया गया, y दिया गया, कुछ नहीं करना था आपको। vx निकालते जब आप, तो x is equal to ct square, यहां से आ जाता है x direction की velocity, 2ct differentiate करके और vy की वैल्यू 2bt आ जाता, तो फिर इसको स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते तो v आ जाता, तो आंसर क्या आएगा? 2t अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डेली क्वेश्चन नंबर टू हो गया। द रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन आपसे पूछा गया है, वेलोसिटी दी गई है, हाँ? वेलोसिटी दी गई है, v इज इक्वल टू आपको दिया गया ए आई कैप प्लस बी माइनस सी टी जे कैप, ठीक है। तो ऊपर जाने का टाइम आएगा जब, तो ये वाली वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की हो जाएगी जीरो, समझ रहे ना बात? तो उस समय ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा, इसको सॉल्व करके t इज इक्वल टू बी बाई सी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2b बाई सी, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा? ux इंटू टी, तो 2ab बाई सी। पक्का क्लियर है सबको? ये वर्टिकल वेलोसिटी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, इससे आपने टाइम निकाला, ये ऊपर जाने का टाइम आ गया, उतना ही टाइम नीचे जाने का डबल करेंगे, और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी? ए के बराबर, और वर्टिकल में जो वेलोसिटी थी शुरू में वो कितनी थी? बी के बराबर, जो एक्सेलरेशन था सी के बराबर, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा? यहां पर वेलोसिटी फाइनली जीरो वर्टिकल, तो b बाई सी ऊपर जाने का टाइम, b बाई सी नीचे जाने का टाइम, टोटल टाइम 2b बाई सी इन टू ए, डन। आंसर 2b a बाई सी दिया, नहीं कहां गई रेंज अपनी? हाँ यही तो है, यही है। सपोज अ प्लेयर हिट सेवरल बेसबॉल्स, विच बेसबॉल विल बी इन द एयर फॉर लॉन्गेस्ट टाइम? अच्छा, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगा, है ना, और मैक्सिमम हाइट क्या आती है? 2 u y स्क्वायर अपॉन g, ये आती है, तब ठीक है। अच्छा, तो बस इससे देख लो, जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy by g, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो जिसका ये ज्यादा टर्म होगा उसी का ये टर्म ज्यादा होगा, क्लियर है? ग्रेटेस्ट इनिशियल गरीबी। चलो आगे बढ़ाए, बॉम्बे आंसर, बॉम्बे। ट्रेजेक्टरी ऑफ टू पार्टिकल्स ऑन t1 t2, हैं दो आंसर आएंगे, t1 इज इक्वल टू t2 दिख गया क्या आपको? मैक्सिमम हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। अब ये दूसरे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो दूसरे वाले की वेलोसिटी ज्यादा, U2, ये डी आंसर आ गया और बी आ गया। अरे गरीब आदमी, टाइम सेम है, R2 इज ग्रेटर देन R1 दिख गया, और आपको ये भी दिख गया होगा कि वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के सेम है वेलोसिटी के, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, हाइट सेम है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसी का रेंज ज्यादा आएगा, तो आपने कहा भाई यू वाई तो सेम ही था, तो यू एक्स टू ग्रेटर देन यू एक्स वन आएगा, थीटा की बात ही कौन कर रहा है, जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही, थीटा का कर लेगा, कंपोनेंट में खेल रहे ना। अब ये सेम है, UY1 is equal to UY2, ये क्लियर भैया? और फिर आपने कहा UX1 greater than UX2, तो इन दोनों ज्यादा है UX2, उल्टा लिख दिया, गरीबी आ गई।
बता रहे बे, इसका स्क्वायर करके 100 कर ले। ठीक है, क्या बात है यार, तुम यार महान आदमी, तुमको सुबह सुबह चाय मिलेगी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल दुआएं देनी चाहिए। लोग दुआएं, तुम्हारी किस्मत में चांद तारे हो, आदमी मर गया। ठीक है, हाँ तुम यार फिर गरीबी में आए, यूएक्स तो अलग है ना। क्या बात है, ये मतलब महान बात कर सकते। साइन थीटा इज इक्वल टू 20 साइन फाइव, तो थीटा और फाइव इक्वल होंगे भाई। जब तुम जो है कहीं कहीं गरीबी छुपाए हुए समझते रहो, हाँ? चलो आगे बढ़े। बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्टेड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड सेम स्पीड वर्टिकल प्लेन हिट द ग्राउंड सेम पॉइंट, मतलब रेंज सेम है, रेंज दे रखी है ना, देन यूज ये कर लो, तो रेशियो ऑफ टाइम और ये सब बताना है। लग कहाँ रहा है, सेम लग क्या रहा होता है, बोल रहे सब तो सेम ही लग रहा है। तो अभी देखो ध्यान से, अगर मान लो किसी पार्टिकल को ऐसे आप फेंकते हो किसी एंगल थीटा पर यू स्पीड से, ठीक है, तो ये मान लो यहां गिरता है, तो अगर आप इसको 90 माइनस थीटा से फेंकोगे तो भी यही गिरेगा सेम स्पीड से। तो आपको बताया तो था मैंने कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम आता है ना। तो बस अब पहले कर लो, सॉल्व तो करो, तो रेंज कितना है 480 और यू स्क्वायर 70 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4900 पक्का, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 आ गया। साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आई थी, 0.9 से कहा गई थी, तो फिर खत्म हो गया सवाल। थीटा आपका आ गया ये 74 का आधा कितना होता है 37 आ गया, तो एक एंगल हो गया 37, दूसरा हो गया 90 माइनस 37 53। अच्छा तुम्हें इतने धीरे बोले, मुझे लगा तुम्हें शक है 53 पर। तो क्या करना भाई साहब, रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, तो 2u, अब 2u बाई g तो सेम ही है, तो ये वाला जो आएगा वो आएगा साइन 37 डिवाइडेड बाय साइन 53। ये तो गलत है यार, ये गलत हो गया। और मैक्सिमम हाइट जो आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3/4 पक्का, तो ये 9/16 सही हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो बात को। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो कर लियो, तो वो 3/4 का रेशियो 9/16 सही हो गया। मैन मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग फ्लाइट, तो कॉस थीटा का रेशियो आएगा भाई, जैसे यू कॉस, यू थी वेलोसिटी, तो यू कॉस थीटा मिनिमम स्पीड आएगी, तो यू कॉस थीटा का रेशियो करोगे तो 4/3, ये भी सही है। अब तो गरीबी पे आ गई, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन दीज मेक्स 45, तो 35, 37, 90 होता ही है, तो आधा 45 ही होगा। अरे यार थीटा प्लस 90 माइनस थीटा का बाइसेक्टर एंगल क्या होगा, तो थीटा उड़ ही जाएगा ना बेचारा, थीटा क्या का मजाक चल लिया है, तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ो, सरल था ये, करना पड़ा होगा लेकिन, कहने लगे बस ये गुणा भाग आप कर दिया करो, भाग के अंतर करना पड़ता है कभी कभी गुणा भाग। कॉम्प्लीमेंट्री कहां से आ गया इसमें, ये भाई साहब 11वीं में जो बच्चे फेल हो जाते हैं उन्हें भी पता होता है, हाँ तभी तो उन्हें भी पता होता है, बोले
चलो आगे बढ़ाएं। त्यागी पिछाने परसेंट है, मजाक कर रहे हैं। हाँ भाई एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मिनिमम स्पीड का रेशियो चाहिए है ना। देखिएगा आप, अभी क्या है कि आपने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका किसी वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड से, एंगल था आपका 37 डिग्री, ठीक है बेटा। दूसरे पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका था 70 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इस बार एंगल था 53 डिग्री, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड मिनिमम होती है और वो यू कॉस थीटा के बराबर होती है, ठीक है। तो यहां पर मिनिमम स्पीड इसकी मिलेगी आपको 70 cos 37, और इस वाले केस में आपको मिनिमम स्पीड मिलेगी 70 cos 53, ठीक। इन दोनों का आपको रेशियो करना है, कर सकते हैं रेशियो, तो आंसर आ जाएगा। डन करें रेशियो, कर दे हो जाएगा ना। हाँ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। आ टोटल स्पीड क्या बताइए, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इज अंडर रूट 6/7 ऑफ इट्स स्पीड व्हेन इट एट द हाफ ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट। तो यहां पर कुछ वेलोसिटी रही होगी भाई, है ना, और h पर हाइट पर, और h/2 पर भी कुछ रही होगी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हमसे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये चाहिए, यहां वाला एंगल चाहिए, तो फिर यही मान लो कुछ u, ये थीटा चाहिए ना, तो यहीं से शुरुआत करें। तो अभी यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, u cos थीटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं। यहां वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा, ठीक है ना। अब h by 2 ऊपर जाओगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो v square is equal to u square minus 2gh लगा दोगे, तो यहां पर जो वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट, कहां से आ गया, मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। तो v की वैल्यू लिखूंगा तो अंडर रूट आएगा ना भाई, और u की जगह कौन चलेगा यहां पर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh/2, कोई इशू तो नहीं। यहां वाली वेलोसिटी भी बताओ, आप लिखोगे u स्क्वायर माइनस 2gh और इसको जीरो भी कर दोगे, हाईएस्ट है ना ये पॉइंट। अब उसने हमसे कहा कि भाई हमें यहां से आप देख रहे हो h हटा सकते हो आप, इस पूरी h थोड़ी चाहिए था हमको, समझ रहे हो, यहां से h की वैल्यू रख सकते हो, h बताओ 2gh की वैल्यू u स्क्वायर के बराबर आ गई, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये वाला जो टर्म है ना, यहां से अगर आप थोड़ा देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आया है, आया, उसको मैं यहां वाले 2gh में रख दूंगा, मैं रखूं तो मेरे पास ये वेलोसिटी आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर बाई 2 होल इज इन अंडर रूट। अब उसने कहा कि देखो भाई जी यहां पर जो भी वेलोसिटी थी इट इज अंडर रूट ऑफ 6/7 ऑफ स्पीड हेयर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पर स्पीड कितनी है, गरीबो अंडर रूट ऑफ 0² + u² cos² θ है, यहां पर स्पीड कितनी है, हाँ, तो ये जो स्पीड है u cos थीटा इट इज अंडर रूट ऑफ 6/7 टाइम्स ऑफ, यहां पर कितनी स्पीड है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो इसी अंडर रूट को आगे बढ़ा ले यार, स्क्वायर करके जोड़ के बताओ, इसका स्क्वायर करो
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर बाई टू, यू स्क्वायर बाई टू बन जाएगा, तो यू से यू उड़ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा टेन थीटा जो होता थीटा पीटा चाहिए निकाल लेंगे, ना कर पाएंगे। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आने वाला है अंडर रूट ऑफ 3/7, दिख रहा है 3/7 दिख रहा है, इसमें तो एक भी नहीं आया यार, क्या बेटा? अरे यार गरीबी, बहुत गरीबी है भाई साहब, पूरा कचरा करके गला हूं मैं। हाँ पहले सब बैठे बैठे सुन देखते रहते हैं, कर लो बेटा पहले पूरा लिख लियो, लास्ट में जो हम बताएंगे। यहां पर वेलोसिटी जो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच के बराबर आएगी। अच्छा एच का फॉर्मूला ही गलत आ रहा था, ध्यान ही नहीं दे रहे, इसको जीरो करना था आपको, है ना? तो आपको दिख जाएगा कि यू स्क्वायर टू जी एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आएगी, ठीक है? मैं पूरे गलती हुई है तो पूरा ही ठीक करूंगा। कौन है भाई साहब? यहां की वेलोसिटी लिख रहे थे ना, तो ये कॉस कहां से आया था बीच में? चेस का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अभी ये यहां पर आएगा यू स्क्वायर साइन, अरे अरे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा कितना हो गया? यू स्क्वायर बाई टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यू बाई टू साइन थीटा, यू बाई रूट टू, तो ये कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इन होल में अंडर। अब इसको सॉल्व करो। ओए अंडू ना होता इसमें। हाँ वो दब गया बटन यार, ठीक है कर लेंगे या कर दूं एक बार? पक्का? ठीक है, 3/√60 से ऐसा कुछ, 6/√ पता नहीं, हाँ 3/√7। यहां से आ गया था कॉस थीटा, वहां से आ गया था साइन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 7/3 नहीं, अच्छा हाँ वो आया था, दो टर्म थे उसमें। ठीक है आगे बढ़ाओ, आंसर देखो आगे अपना, ठीक है? सी इज राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्टाइल मोशन, नो एयर ड्रैग एट T1 T2, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए इज R1 एंड फ्रॉम ए टू बी इज R2। नाउ इफ हॉरिजॉन्टल एयर ड्रैग राइटवर्ड, राइटवर्ड का मतलब इधर की तरफ है, देन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, T1 विल डिक्रीज वाइल T2 विल इंक्रीज, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय सेम ही रहेगा ना भाई? एच विल इंक्रीज, R1 विल डिक्रीज, R2 विल इंक्रीज, R1 विल इंक्रीज, R1 विल इंक्रीज, R2 विल इंक्रीज मोर, और ज्यादा बढ़े, R1 तो बढ़ेगा ही, R2 और ज्यादा बढ़ जाए। इस डायग्राम बनवाया था यार मैंने, आप ऐसा जाएगा कुछ, समझ रहे हो बात को? तो R1 तो आप वाइट तक, ये R1 ये तो बढ़ेगा ही, R2 और बढ़ जाएगा, ठीक है? टी में इंक्रीज और डिक्रीज, अबे गरीबों ये क्या करना है इसमें? ठीक है में इंक्रीज और डिक्रीज, T1 पढ़ो पहले, क्या है? ओ से ए तक टॉप हाइट है ना ये? नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, T1 विल डिक्रीज,
गलत गलत। बस यही है। एक ऑप्शन और है इसमें, ठीक है। अरे तेरी एडी कैसे कर रहे हैं? रुको 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 एक सेकंड सवाल पढ़ो। राइट वर्ड मतलब ड्रैग राइट वर्ड। वो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट है तो T1 T2 सेम रहेगा और उसी समय में ज्यादा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में आएगी तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन भाई ऊपर जितनी देर तक जाएगा उतनी देर तक जा रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट तो उतनी समय पर आएगा। अब वो कहां आएगा ये हॉरिजॉन्टल मोशन डिसाइड करेगा समय। लेकिन क्योंकि वर्टिकल मोशन की चीजें आपने बदली नहीं और टॉप मोस्ट पॉइंट की आप बात कर रहे हो तो वो तो फिक्स्ड टाइम है। अब उतनी देर में आप ज्यादा चलो हॉरिजॉन्टल में, कम चलो, वो आपकी हेडिक है, हवाओं की हेडिक है वो, ठीक है। नहीं ये अठारह इसमें शब्द ड्रैग यूज नहीं करना और ड्रैग भी बोल रहे राइट वर्ड। बोनस आगे बढ़ाओ। ये करने का सवाल नहीं था, होने का सवाल था। है क्या ये ओरल ऑप्शन चेक हो जाएंगे? ओरल चेक करना है तुम लोग। देखो सारे सवाल करने के थोड़ी होते कि मिला रहे आप। और अगर आपको जैसे मान लो आप अब सपोज करो कि अगर आप मत करो सपोज, क्यों सपोज करें, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद तो करना नहीं है, क्या करना है? ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं काइनेमेटिक्स में, 150-200 फॉर्मूले लिख सकते हो, सच बता रहा हूं मैं, लिखवाते हैं लोग, फिर बच्चा भूल जाता है कि कौन सा वाला कहां लगाना था। तो इस ये वही फॉर्मूले हैं, इनको याद नहीं करना, इसको चेक करो कौन सा वाला सही है। तो टी जीरो करोगे तो वाई जीरो आना चाहिए, तो ये सही लग रहा है, ये नहीं लग रहा, इसमें ये इनफाइनाइट हो गया, इसको अलग हटाओ। जब एक्स को जीरो करोगे तो वाई जीरो होना चाहिए, ये कह रहा है कि आई से मजाक चल जाएगा। अब टी की वैल्यू समझ गए ना, एलिमिनेशन से कर दो, शक्ल एक बार देख लो, शक्ल अच्छी लग रही है तो ठीक है, शक्ल देख लो इसकी, तो ये ऐसा ना हो कि अचानक आप इसको देख के ऐसे घबरा के गिर पड़ो बेंच से, है ना। तो इसकी शक्ल देख लो, तो t इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो y जीरो, x जीरो पुट किया तो y जीरो, चिपका दे और शक्ल देख लो ताकि आपको इसकी हल्की सी पहचान रहे, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस तो करने का बनता है ना, तो प्रैक्टिस करनी है तो इसको शो करने की कोशिश करो, कर लेंगे ना, इसको ट्राई कर लेना चाहिए कि भाई ये रिजल्ट हमें लाना है। इसमें आपको क्या गायब कर दिया आपने, यू और थीटा गायब किया है, अरे यू और थीटा ही तो गायब किया है यार। तो आपको ये टी और एक बार एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना, कोशिश करना, कर लिए थे तो कोशिश करिएगा कि आपसे ये ड्राई हो सके, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत की बात है? लो आंसर ही नहीं आ रहा, ये क्या हो गया भैया, अभी ताजी ताजी बैटरियां लाए थे, ड्यूरेस्ट। एसी, चलो आगे बढ़ाएं। अच्छा यहां से चले गए, द ट्रिजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, थीटा 30 कैसे निकाल लिए, एक इक्वेटी कर लियो। यहां पर आपके पास इक्वेशन क्या होती है, x tan थीटा माइनस g
एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो टेन थीटा की जगह कौन है, तो 30 डिग्री कैसे हो गई, हाँ तो ये 60 हो गया, इसको हटा 60 कर लिया। अब मैक्सिमम हाइट उसने कहा इतनी है, मैक्सिमम हाइट का मतलब डीवाई बाई डी एक्स, नहीं डीवाई बाई डी, मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब होगा डीवाई बाई डी टी जीरो हो जाएगा। अब वैसे तो अपन को पता ही है, पता है कि नहीं, यहां से आप कंपेयर करके चाहो तो जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो टू के बराबर, माइनस टू तो इधर भी तो माइनस है भाई, माइनस भी लगाओ, ये निपटाने के मूड में बोल मुझे, तो यू कॉस थीटा की वैल्यू बता सकते हो जी बाई फोर का अंडर रूट, थीटा पता था आपको, तो कॉस वन बाई टू है, हाँ तो ये टू से उड़ा दिया ना इसको, तो ये अंडर रूट जी आ गया, सौ आ गई सौ, तो वो बताओ मैक्सिमम हाइट कहां से लाओगे, रूट टेन, रूट टेन सॉरी सॉरी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2g, साइन स्क्वायर 60 कितना होगा 3/4, 3/8, ये भी गया, बहुत बुरी वाली स्थिति से गया। रेंज की वैल्यू पूछी है तो जहां y जीरो होगा वहां x निकाल लो तो रूट 3/2 आएगा, ये सही आ गया। रेंज का मतलब है कि y की वैल्यू जीरो तो x की एक वैल्यू जीरो मिलेगी, और एक यहीं से दिख रही है आपको, दिख रही है कि नहीं, अंडर रूट 3/2, तो रेंज भी आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट सब कर लियो, आप कर लेंगे सब लोग, चलो आंसर क्या है, सी, बस एक ही आंसर सी। चलो प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद स्पीड मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल क्रॉसेस 2 पॉइंट इक्वल हाइट 1 सेकंड 3 सेकंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय 8 यू नो बाय है, हाँ 2 पे 0 हमें करना है, अच्छा हाइट निकालनी क्या, 15 आ रहा है 20 आ रहा है 20 आ रहा है 20 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 2 नहीं समझे, ये प्रोजेक्टाइल है, ये किसी हाइट पर है एच, यहाँ पर यहाँ t इज इक्वल टू दिया है 1, ये सेम हाइट पर जब आएगा तो यहाँ t इज इक्वल टू दिया है 3, तो ये बीच वाला टाइम होगा पक्का, ये होगा t इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2, हाँ 2। अब उसने कहा ये हाइट बताओ, हमने कहा 2 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड था यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी तो यहाँ 2 सेकंड पहले वर्टिकल वेलोसिटी, 1 सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी, एक और बाद 0, तो 20 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 2, समझ गए, तो 20 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 2 इज 20, आंसर 20 है ना 20। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ए आफ्टर टाइम टी अपीयर्स एंगल एलिवेशन बी, भाई साहब ये कैसे होगा, ये सवाल गड़बड़ है, पता नहीं क्यों, ठीक है लेकिन चलो कर दे, कितने एंगल पर फेंका था है, ए एंगल पर फेंका था है ना, और टी टाइम के बाद क्या हुआ, मान लो कि ये यहां कहीं पहुंच गया, ये ए था ना, ये था ए ठीक है, और कुछ देर के बाद इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है, बी, मुझसे क्या चाहते हो, आंसर बोले, आंसर दो आप, टेंशन न लिया ठीक है, तो अभी इसमें क्या ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी है इसकी मान लो यू एक्स, ये वाली वेलोसिटी है यू वाई, कोई समस्या तो नहीं, तो अभी मान लो यहां पर समय हो रहा था टी,
तो ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी कितनी, यू एक्स इंटू टी होगी। ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तुम लोगों को आ रहा पसंद? तुम लोगों को भी नहीं आ रहा। यू एक्स यू वाई नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने एंगल ऑफ एलिवेशन वो दे रखा ना, प्रोजेक्शन एंगल। तो इसको लिख लो यू कॉस ए टाइम्स ऑफ टी, यहां पर वेलोसिटी u साइन ए, टी टाइम के बाद वेलोसिटी u साइन ए माइनस जी टी, ये वाली हाइट u साइन ए प्लस u साइन ए माइनस जी टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। क्या चाहते हो? आपको ये वो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सवाल खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? टेन बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे मुझे इसका आंसर बताओ सब लोग, कोई सॉल्व करके जल्दी से सॉल्व करके चेक करो इसको। यू निकालना है इसमें, 15 सेकंड में कलम चलाओ। तो भाई कुछ करना नहीं था, बस हो जाना था इसको। इसको आप लिख सकते हो टेन बीटा को साइन, टेन बी को साइन बी अपॉन कॉस बी इंटू यू कॉस ए इज इक्वल टू यू साइन ए माइनस जी टी, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास u टाइम्स ऑफ बाई 2 साइन b cos a माइनस cos b साइन a इज इक्वल टू माइनस जी टी कॉस बी बाई 2। तो ये क्या बन गया, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू जी टी कॉस बी बाई 2, ठीक है? कौन सा है? सी आ गया। ये मैंने माइनस एडजस्ट कर दिया है, घबराना नहीं, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अरे ये नहीं चल गया यार, सी हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या हो गया है, फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन रेन एट 30 एंड 60 सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। देख लियो तुम, भाई तुम्हें देखने की जरूरत है ये, भाई इसमें तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, पता होना चाहिए, कंफर्म है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के एक दूसरे पर कॉम्पोनेंट जीरो आते हैं, ये इधर वेलोसिटी होगी तो इधर कॉम्पोनेंट क्या आएगा, तो कैसे इफेक्ट आएगा उसका, ठीक है? मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन वर्टिकल कॉम्पोनेंट, रेशियो ऑफ रेंज एंड मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा के अलावा कुछ ना बचेगा भाई सर। अगर आप रेंज की बात करो तो फॉर्मूला होता था, आए आए कोई बता रहा था कुछ, माना कि मैं फॉर्मूले याद रखने को नहीं बोलता हूं, लेकिन क्लास 11 12th के जो बेसिक फॉर्मूले वो तो तू काहे लगा रहे थे ऊपर। अच्छा 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 शाबाश। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, तो देख गया होगा कि यू और जी गायब हो जाएंगे तो थीटा ही बचेगा, ले दे के सिंपल बात, हटाए इसको, इसका आंसर क्या आ गया, ओ तेरी। अच्छा ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, हाँ।